नहीं आती, कोई के पास, सबकी टूट गई, कुछ भी, कोई नंगे पैर सब लोग घूमत रहते, कुछ भी काम करते तो चप्पल नहीं रहती। तो हमने 200 रुपया की मजूरी करी थी खेतन में, तो 200 रुपया हमें मिले, तो हमने दीदी से बोले कि दीदी नहीं है खेत, नहीं मेरे खेत तो थे लेकिन मुकदमा लगा था। घर के हालात इतने नहीं, घर के हालात इतने, जब वीडियो बनाना स्टार्ट किए तो मम्मी इतना, गांव वाले इतने विरोध करें कि वीडियो बनाएगी तो घर, गांव के बच्चा बिगड़ जाएंगे, ये इसको गांव से निकालो, इनको गांव से निकालो, ये सब चीजन के बाद जब 3 साल हो गए ऐसे भैया, फिर संघर्ष करते रहे, फिर टिकटॉक बंद हो गो, टिकटॉक बंद हो जाने के बाद फिर मम्मी ने मेरी शादी तय कर दी कि अब शादी कर दी है, अब तुम भी जाओ अपने घर, अब हमसे नहीं चल पाए, लड़का देखोगे, लड़का ने मना कर दी कि गांव से है, लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, ये वो बहुत सारी बातें बनाई, और लड़का बोलो कि नहीं हमें नहीं शादी करनी है। फिर वहाँ थोड़े हम ठीक लगे कि चलो लड़कन मना कर दो, भी हमें भी शादी नहीं करनी थी, फिर ऐसे टिकटॉक बैन हो। फिर मिले अभिषेक, जो अभी तक मेरे साथ में, अभिषेक ने यूट्यूब चैनल बनाओ सब कुछ, जैसे अब हम तुमसे मिले हैं, तुम्हें अपनी, तुम मेरी वीडियो पहले से देखते हो और तुम आए कि तुम वीडियो अच्छी बनाती हो, ये वो, फिर तुम्हें यूट्यूबर नहीं वो, हाँ यूट्यूबर थे लेकिन अब उन्होंने सब काम छोड़ रखे हैं, सिर्फ मेरा ही काम करते हैं, अब जो भी चैनल है मेरा ही चैनल चलाते हैं सब कुछ, आज यहाँ बैठे हैं तो अभिषेक की देन है, और मेरी जनता ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, आज यहाँ है, तुम्हारे सारे वीडियो चलाता है पीछे से, हाँ अभिषेक का पूरा काम, अब जो मैं यहाँ बैठी हूँ अभिषेक कर रहे होंगे सब कुछ। मेरे घर में भी तो कोई नहीं है पढ़ा लिखा, सब जितने पढ़े लिखे हैं घर में सिर्फ हम ही हैं, जो भी है मेरे घर में कोई बहने नहीं पढ़ी है, मम्मी भी नहीं पढ़ी है, कोई भी, पूरे फैमिली में एक हम ही पढ़े हैं जो थोड़ा बहुत जो अभी जानते हैं ठीक ठाक है, नहीं तो हमारी भी शादी हो जाती, कौन कौन शिवानी के गांव को जानता, कौन किसको, कोई जान रहा था यहाँ कौन आता बिग बॉस के घर में, कोई जानता ही नहीं, तो यहाँ भैया बहुत मेहनत करके आए हैं और ये मेहनत मेरी बहुत सफल भी होगी, सफल हो ही गई जब बिग बॉस के घर में बैठ गए आके, तो ये तो मेरी मेहनत रंग लाई, इतनी मेहनत करने के बाद आज इधर हम बैठे हैं। तो फ्रेंड्स, अनिल कपूर हॉस्टेड कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस OTT 3 को लेकर इस वक्त काफ़ी धमाल मचा हुआ है। इस बार शो में कई फेमस फेस ने एंट्री मारी है, ऐसे में बिग बॉस के घर में रहने वाले इन फेसों ने अपने जीवन की कहानियां सुनाई और अपने सारे राज खोले। इस क्रम में शिवानी कुमारी ने भी अपने बीते दिनों की, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि की कहानी सुनाई और अपने जीवन की सच्चाई बताई। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल। मिलेंगे ऐसे ही एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। नमस्कार।